Hello folks, Divyam this side. This is 7th lecture of History Chapter, The Rise of Nationalism in Europe. इस लेक्चर में हम बात करेंगे nationalism और imperialism के बारे में, जिसमें हम Balkan region के बारे में पढ़ेंगे. So let's open the topic. नाइनटीन सेंचुरी की एंड में जो nationalism का आइडिया था, अब वो imperialism में कन्वर्ट होने लगा था. इंपीरियलिज्म में कोई भी नेशन अपनी टेरिटरी को इंक्रीज करता है अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए, और वो ऐसा करता है मिलिट्री या किसी और सोर्स के जरिए. फ्रेंड्स, यही होने लगा 19th सेंचुरी की एंड में. आज प्रेजेंट डे में जहां पर कंट्रीज हैं सर्बिया, बल्गेरिया, रोमानिया जैसे, वो पहले बल्कन रीजन था. वहां पर रीजनल और एथनिक डाइवर्सिटी थी. नेशनलिज्म की वजह से ये जो रीजन था ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव बन चुका था. जितने भी उस टाइम तक ग्रेट पावर्स थी, जैसे कि जर्मनी, ब्रिटेन, रशिया, ये सब अपनी पावर को इंक्रीज करना चाहते थे बल्कन रीजन पर कॉन्कर करके, और ये करने के लिए उन्होंने बहुत सारे वॉर्स किए. दोस्तों, बल्कन रीजन में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज हुई, पर एट लास्ट रिजल्ट कुछ नहीं निकला बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एमर्ज हुआ. तो फ्रेंड्स, इस टाइम तक ऐसा नहीं था कि और कुछ नहीं हुआ. इस टाइम तक ग्रेट पावर्स जैसे कि ब्रिटेन, उन्होंने दूसरे कंट्रीज को कॉन्कर करना भी स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से नेशनलिज्म एक यूनिवर्सल फिनोमिनन बन गया. आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया. तो फ्रेंड्स, ये था नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक. सो हियर दिस चैप्टर एंड्स. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे. सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गो टू द नेक्स्ट लेक्चर. जस्ट क्लिक हियर. Thank you for your time and be helpful.